खामखा में मुझ पर भड़क रहे हैं सैगल साहब। आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूं। जब मैं इनकार पर इनकार किए चला जा रहा था तो आपको क्या जरूरत थी अपना मुंह फाड़ करके हाँ 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 कर देने की। अबे और डरने के बच्चे, ये मत समझ के मैं अंदर तो कभी बाहर नहीं निकलूंगा। नहीं नहीं, बाहर तो निकलेंगे। बाहर कैसे नहीं निकलेंगे? जब तक ये टंडन जिंदा है कोई आपको अंदर नहीं रख सकता। लेकिन सवाल यह कि आप अंदर गए क्यों? आपने अपने मुंह से हाँ कहा ही क्यों? अगर आप अपने मुंह से हाँ नहीं कहते ना तो कोई माई का लाल आपको टच भी नहीं कर सकता था। मैंने सारी एंटीसिपेटरी मेल्स ले रखी थी। अरे ओ धड़ियल वकील, सवाल पे सवाल किया जा रहा था, उसकी मनु शक्ल देख के गुस्सा आ गया मुझे। मैंने कहा हाँ किया, जाओ खाड़ ले जो खाड़ सकता है। अरे सैगल साहब, यही तो कानूनी दाव पेच है। आदमी को साले को इतना कसो कि वो हड़बड़ाहट में हाँ बोलते। हाँ ठीक है, अब गलती होगी, कुछ कर। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब सबसे पहले सवाल ये पूछा जाएगा कि आप वहां गए क्यों थे। बहरहाल जब जब कातिल पकड़ा ही गया है तो कोई कहीं भी जाए, इससे उन्हें क्या। तो हम ये साबित कर देंगे कि आपका वहां जाने से कत्ल का कोई इरादा नहीं था। वो सब कुछ आपसे जबरदस्ती कहलवाया गया, और बाकी के जो कत्ल आपने कबूल किए हैं वो एक पागलपन की हरकत थी। जी हाँ, हम साबित करेंगे कि आपको कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। अगर ये साबित कर दिया जाए सैगल साहब कि आपको कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं तो आपको एक कुत्ते जैसी जिंदगी नहीं बितानी पड़ेगी। अबे क्या अनाप शनाप पके जा रहा है, कभी पागल कहता है कभी कुत्ता कहता है, होश की दवा कर। अरे सैगल साहब, वो कोर्ट का जज कहेगा, इससे तो अच्छा है ना मैं ही कह दूं। अब आप एक काम कीजिए, उस दीवार से अपना सर फोड़ लीजिए। क्या? इससे मालूम क्या होगा? आपको इस जेल से हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अरे वहां पर कम से कम आप अच्छी तरह से रह तो सकेंगे। तू क्या समझ बैठा है, मैं यहां पूरी जिंदगी काटने आया हूं, बाहर निकलने का बंदोबस्त कर मेरे। करूंगा, इस टंडन का दिमाग दोधारी तलवार है सैगल साहब। गुलशन ग्रोवर की तरह डायलॉग बोलने बंद कर और कुछ काम की बात कर। करूंगा, ऐसा कुछ करूंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे।